आज हमारे बीच बेबाक राय की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले पूर्व डीजीपी मैथिली शरण गुप्त जी मौजूद हैं और एएमएस टीवी इनसे जानना चाहेगी कि आखिर इतने विवादों में रहते हुए भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट कायम कैसे रहती है। नहीं, मैं कभी भी विवादों में नहीं रहा हूँ। मैंने एक राय रखी है जो नेशनल हित की है। अब लोग बाग यदि नेशनल हित में विवाद खोजें तो मुझे लगता है उनकी सोच और नीयत में कुछ खोट है। हाँ, ये कह सकते हैं, और सभी की सोच और नीयत के हिसाब से चला भी नहीं जा सकता। तो आपका एक कॉन्सेप्ट जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे वायरल हुआ और लोग उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, ये अलग बात है कि जहाँ तक बात पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, कि अपराध मुक्त भारत, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, अपराध मुक्त भारत का जो सोच और चिंतन है, जब मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म था उस समय मैंने कॉन्सेप्चुलाइज किया, और मेरी ये धारणा थी कि हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए 5 सर्टेनिटी के साथ इस देश को अपराध मुक्त बना सकेंगे। एक बार मैं ये बात बहुत ज़ोर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि अपराध मुक्त भारत का को जीरो अपराध मानना एक भ्रम होगा, एक त्रुटि होगी। अपराध मुक्त भारत का मतलब है जहाँ पर जाने में, अनजाने में, सोची हुई रणनीति के तहत अनजाने में अपराध होंगे, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी से सर्तिया संज्ञान लिया जाएगा, 15 दिन की अवधि में उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, और अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए उसमें न्याय की सुनिश्चितता विद्यमान थी। और इसमें 5 जो है सर्टेनिटी थी। पहली सर्टेनिटी थी कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, और आज जो एफआईआर दर्ज हो रही है इसकी तुलना में वो 1000 गुना बेहतर एफआईआर होगी, नंबर 1। दूसरा, क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नो इंजन था, जिसको हम चित्रगुप्त भी कहते हैं, वो पुलिस को ऐसे साक्ष्य इकट्ठे करने में मदद करेगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। तो वो अकाट साक्ष्य अधिकतम 15 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे, और अभी जो आपकी न्यायिक व्यवस्था है जो हर भारतीय को अपमानित करती है, इज्जत की नहीं देती है, बरसों बरस तक एरिया रगड़ने के लिए बेवस और मजबूर करती है, और वही पर एक दूसरी न्याय व्यवस्था जिसको हम क्राइम फ्री भारत का वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम कह रहे हैं, वो आपको बिना कोर्ट जाए इससे बहुत अधिक ट्रांसपेरेंसी के साथ जजेज की, वकीलों की, पुलिस की संख्या बाधा नहीं बनेगी, अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं, न्याय। और जो आज की व्यवस्था है जो कहती है कि हमारे न्याय में की व्यवस्था की न्याय की देवी जो है वो उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, हमारी न्याय की देवी नहीं, न्याय के देवता होंगे जिनकी हजारों आंखें होंगी, जिनसे सत्य कभी छिपा नहीं होगा, वो जजमेंट नहीं देंगे, वो न्याय देंगे, और अधिकतम 30 दिन में देंगे। ऐसी पावरफुल व्यवस्था को कॉन्सेप्चुलाइज करके ये 3 सर्टेनिटी हैं, फिर 4th सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। तो इसके लिए एक चित्रगुप्त एक जो है चित्रगुप्त जो आपने सुना है कि हम सबका अकाउंट एक चित्रगुप्त रखते हैं और उनको आपके हर अच्छे बुरे का जो रहता है, तो ऐसे ही हमने एक डिजिटल चित्रगुप्त क्राइम फ्री भारत में पैदा किया, और 5 साल के डाटा के साथ वो इतना परिपक्व हो जाएगा कि अपराधी अपराध करने की नीयत से घर से निकलेगा, वो किस रास्ते का उपयोग करेगा, उसका टारगेट कौन होगा, अपराधी के साथ में कौन है, वो हिंसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये सब अनुमान लगाते हुए 99% एक्यूरेसी के साथ आपको अपराध करने के पहले व्यवस्था गिरफ्तार कर लेगा। इतनी पावरफुल, जिसको हमने कहा था सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। और फिर हमने कहा कि जब हमारे चित्रगुप्त को इतना कुछ मालूम है, तो आप यदि अपराधी हैं तो आपको अपराध करने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए अपराध करने के लिए क्यों छोड़ा जाए? तो उसमें 5वीं सर्टेनिटी आती है, सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन।
हम आपको अपराध करने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए नहीं छोड़ेंगे, आपको सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट कर देंगे। लिहाजा अपराध घटित होगा बहुत स्विफ्टली, बिना थाने में जाए उसका संज्ञान हो जाएगा, अधिकतम 15 दिन में उसका जो है ना चालान पेश हो जाएगा, अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, तो व्यवस्था में लोगों का श्रद्धा बढ़ेगी। आज आपकी उल्टी है, आपको व्यवस्था में ढेलेवर की श्रद्धा नहीं है। आप जो है घटिया कानून के तहत, जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए थे, उन नियमों के तहत जो जिसका दायित्व है वो पूरा नहीं कर रहा है। आप बताइए, आज आपके साथ कोई अपराध हो जाता है, आप थाने जाते हैं, आपकी FIR दर्ज होती? मेरा अपना अनुमान है 90% केसेस में भगा दिया जाता है। वहीं पर लोग बाग पैसे दे के प्रभाव का उपयोग करते हुए 90% फर्जी मुकदमे भी कायम कर रहे हैं। तो हम एक डबल जियोपार्टी में फंस गए हैं, सही केस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं और झूठे केस और बनावटी केस इकट्ठे हो रहे हैं। आप जो है विक्टिम हैं, आप जा रहे हैं, आपकी FIR लिखी नहीं जा रही है, आपके अपोनेंट पार्टी को बुला के आपके विरुद्ध झूठी FIR दर्ज कर ली जा रही है। हम किस विडंबना में फंसे हुए हैं? क्या हमने स्वतंत्रता इसी विडंबना के लिए ली थी? तो इन 5 सर्टेनिटी के साथ और रेवेन्यू स्ट्रीम को देते हुए हमने कहा कि हम जो ये व्यवस्था दे रहे हैं इसमें भारत सरकार को 5 पैसे खर्च नहीं होंगे, उल्टा भारत सरकार जो आज जितना कमा पा रही है उससे 10 गुना पैसा जो है क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम भारत सरकार को देगी। ये कॉन्सेप्ट हमने 2017 में बनाया, भारत सरकार को भेजा, भारत सरकार ने 2 साल तक इसका परीक्षण किया। 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत के रूप में मान्यता प्रदान की। 2019 से मैं ही जो है इस नेशनल पुलिस मिशन का नोडल ऑफिसर हूँ। ये उपलब्धि है तो बहुत बड़ी उपलब्धि। हाँ, जब 30 सितंबर को मैंने एक कानून का ड्राफ्ट भारत सरकार को भेजा, जिसका हमने जानबूझ के नाम बड़ा लंबा चौड़ा रखा, क्योंकि हमें अपने ब्यूरोक्रेट की सोच और चिंतन पे हमेशा संदेह रहा है, तो मुझे मालूम था कि यदि हम लंबा नाम नहीं देंगे और यदि हम नाम में ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और जस्टिफिकेशन नहीं देंगे तो ये लोग जो है फाइल में हमारे प्रस्ताव को यूँ उड़ा देंगे। तो हमने उसका नाम दिया था नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने भारत सरकार को ये बताने की कोशिश की थी कि पुलिस जो है राज्य सरकार की अकेली जिम्मेवारी नहीं है, एंट्री 65C लिस्ट 1 के तहत ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है और आप इसके लिए नेशनल अथॉरिटी बनाइए। और इसमें हमने एक फंडामेंटल राइट को भी जो ना प्रपोज किया था, हमने कहा कि चूंकि एक डिजिटल चित्रगुप्त हो रहा है जिससे कुछ छिपा नहीं रहेगा, लिहाजा आम आदमी को हम एक फंडामेंटल राइट देंगे, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। वो राइट जो है कुछ समय के लिए लैप्स हो सकता है, यदि आप अपराध कर देंगे तो थोड़े समय के लिए आपका जो है वो फंडामेंटल राइट सीज हो जाएगा, सिस्टम ही आपकी रिपोर्ट कर देगा, सिस्टम ही आपके विरुद्ध गवाही दे देगा, सिस्टम आपकी गिरफ्तारी करा देगा, सिस्टम 15 दिन के अंदर चालान सुनिश्चित कर देगा, सिस्टम 30 दिन में आपको जो है ना न्याय दे देगा। ऐसा पावरफुल सिस्टम अभी भारत सरकार में विचाराधीन है जो मैथिली शरण गुप्त ने दिया हुआ है, आज भी विचाराधीन है।